आपने वीडियो देखी हो, वीडियो के अंदर हिंदू संगठन के लोग हैं, कोई रैली वगैरह है, और मेवात में, नूह में, हरियाणा में जो हो रहा आपको पता है। मौलाना बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, दाढ़ी इनके है, कुर्ता पजामा पहन रखा है, और आपने देखा किस तरीके से ये आतंकवादी इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी लिंचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो खुदा ने खैर कर दी, अगर ये पुलिस वाले ना होते तो इनको, इनकी भी हत्या कर दी जाती। लेकिन सवाल ये है कि इतनी पुलिस की मौजूदगी में ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, फिर पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही। अब हो ये रहा है कि नूह के अंदर मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा, जो किसी भी सरगर्मियों में मुब्तला ही नहीं थे। नूह की एक जगह की एक सरपंच हैं, खातून, वो बता रही हैं कि खामखा यहाँ के बच्चों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, और यहाँ नहीं तो हिंदू मुस्लिम में कोई लड़ाई हुई है, बाहर के लोग थे जो झगड़ने वाले हैं, जो हमला करने वाले हैं। आपको इस बात का जवाब देना है कि ऐसा ये पुलिस, ये हमारी हुकूमत क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। अब दूसरी वीडियो देखिए, ये अशोक बाबा नाम से फरीदाबाद का है, मोनू मानेसर के पास में जो हथियार है वही इसके पास है। पुलिस की मौजूदगी में जो मुसलमान हैं पहाड़ी एरिए में रह रहे हैं उनके ऊपर ये गोली चला रहा है, और गोदी मीडिया दिखा रही है कि जो शादी वर्दी में हथियार लिए हुए लोग हैं वो पुलिस के ही लोग हैं, जो जिन इन लोगों ने वर्दी नहीं पहन रखी। क्यों लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदू संगठन के लोग हैं, तो गोदी मीडिया ने बचाने में लगा हुआ है। और साफ तौर पर सबको मालूम है कि ये अशोक बाबा नाम से है, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, आपने वो वीडियोस देखी होंगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद, दोनों वीडियो को देखने के बाद आप ख़ुद फैसला करें कि आखिर मुसलमानों के लिए अब क्या करना चाहिए, कौन सा अमल इख्तियार करना चाहिए, जो इन चीज़ों से, इन हरकतों से, इन जुल्म सितम से हम बच सकते हैं। हो सकता है किसी भी छोटे से छोटे बच्चे की राय अच्छी हो और पसंद आए, उसको आगे वीडियो में बताया जाए, या फिर हो सकता है कोई इस पर अमल कर ले। इसलिए ज़रूर अपनी राय लिखें कि कौन सा अब अमल मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से अमन कायम रहे और हम और आप सब महफूज रहें। आखिर में आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।